हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है खैरियत से होंगे। इस वीडियो में मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ टाइनी 3D बटरफ्लाई, जो कि डेकोरेशन में बहुत काम आती है, बहुत ही खूबसूरत और बहुत इजी है इसको बनाना। चलिए शुरू करते हैं इसको बनाना। इसके लिए आपको स्क्वायर पेपर चाहिए किसी भी साइज़ का। मैंने लिया है 15x15 सेंटीमीटर का। अब आपको इस तरह ड्रॉ करना है। पेंसिल की मदद से मैं कर रही हूँ, ये ड्रॉ कर रही हूँ ताकि मुझे सेंटर का पॉइंट मिल जाए। ये ड्रॉ करना बहुत ज़रूरी है ताकि आपको पता चले कि कहाँ पे डिज़ाइन बनानी है। फिर बिल्कुल ऐसे प्लस की साइन की तरह आपको ड्रॉ करना है। आप अपनी मर्जी से कोई भी डिज़ाइन, कोई भी शेप जैसा आपको पसंद आए आप बना सकते हैं। बहुत ही इजी है, बिल्कुल जैसे मैं बना रही हूँ आपको भी वैसे ही बनानी है। जब ये सारी लकीरें ड्रॉ हो जाए, बस अब लास्ट ये वाले और ये बन गया। अब ये जो कॉर्नर्स है इस पर आप कोई भी डिज़ाइन बना सकते हो। मैंने ये डिज़ाइन बनाई है जो कि बिल्कुल इजी और सिंपल है, कोई भी बना सकता है। ये आप देख सकते हैं बहुत ही इजी डिज़ाइन है। आप अपनी तरफ से कोई भी डिज़ाइन किसी भी किस्म की बना सकते हैं जो कि खूबसूरत लगेगी, लेकिन इसी साइड पे बनानी है। जी है वो टाइनी पेपर, बिल्कुल छोटा सा पेपर लेना है। अब इसकी साइडों पर मैंने ब्लैक कलर कर दिया है, बिल्कुल इस तरह। डिज़ाइन के ऊपर वाली स्पेस जो कि खाली है उस पर डार्क ब्लैक कर दे कलर। आप अपनी पसंद से कोई भी कलर कर सकते हैं, लेकिन ब्लैक अच्छा लगता है। कलर के साथ कंट्रास्ट ब्लैक का बहुत अच्छा लगता है। अब वाइटों से आप इसके जो ब्लैक कलर के ज़्यादा हिस्से नज़र आ रहे हैं उसको वाइट डॉट दे दें, बिल्कुल इस तरह। अब इसको टर्न कर लें ताकि ये पेपर, जैसे बटरफ्लाई बनाते वक्त हम पेपर फोल्ड करते हैं, बिल्कुल वैसे ही, ताकि हम बटरफ्लाई बना सकें। इसके कॉर्नर्स को थोड़ा सा सर्कल शेप देके काट लें। बिल्कुल जैसे बटरफ्लाई के स्टेप से बनाने के बिल्कुल वैसे अब टर्न कर दें और थोड़ा सा ऊपर करके फिर टर्न करके और ये बन गई। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।